हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नए वीडियो में, जिसके माध्यम से हम आपको शेयर करने वाले हैं कि अगर आप CELC सर्टिफिकेशन एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर चुके हैं तो उसका एडमिट कार्ड किस प्रकार होता है, या फिर उसके एडमिट कार्ड का ओवरव्यू देने वाले हैं, और एग्ज़ाम हॉल को विजिट करने के लिए आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट रहने चाहिए, इससे रिलेटेड आपको पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम देने वाले हैं। तो बने रहिए इस वीडियो के लास्ट तक। देखिए, अप साइड में लिखा हुआ है NSEIT UID टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन। उसके बाद डाउन साइड लिखा है एडमिट कार्ड। नेक्स्ट देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में आपका पूरा डिटेल दिया हुआ है, नेम, UID, रजिस्टर नंबर, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, एग्ज़ाम लैंग्वेज, पेमेंट डेट, ट्रांजैक्शन नंबर, पेमेंट रिसिप्ट। नेक्स्ट डाउन साइड आपका डेट एंड टाइम दिया हुआ है, जो कि है 12 अक्टूबर 2021 और 1:30 PM है। नेक्स्ट मॉड्यूल दिया हुआ है, जो कि है ऑपरेटर चाइल्ड इनरोलमेंट लाइट क्लाइंट। नेक्स्ट टेस्ट सेंटर का नाम दिया हुआ है, जो कि इस प्रकार है, NSEIT लिमिटेड गोरखपुर। नेक्स्ट एड्रेस दिया हुआ है, जो कि आपका टेस्ट सेंटर का टोटल एड्रेस दिया हुआ है कि कहां पर आपका ये टेस्ट सेंटर लोकेटेड है। नेक्स्ट आपके राइट हैंड साइड में आपका फ़ोटो दिया हुआ है, जो कि आपके आधार कार्ड से अपलोड हुआ है। नेक्स्ट हम डाउन साइड आएंगे। देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है इनविगलेटर सिग्नेचर और कैंडिडेट सिग्नेचर, जो कि आपको ब्लैंक छोड़ देना है। नेक्स्ट दिया हुआ है इंस्ट्रक्शन कंसिडरिंग हेल्थ एंड सेफ्टी मेजर्स। डाउन साइड जो भी इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, वह कोविड को लेकर दिया गया है कि आपको मास्क पहनना अनिवार्य है, एग्ज़ाम हॉल में 20 से 25 मिनट पहले विजिट करना है। इससे रिलेटेड आपको पूरा डिटेल दिया, उसे आप इजीली पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, डाउन साइड दिया हुआ है इंस्ट्रक्शन फॉर अपेयरिंग फॉर द सर्टिफिकेशन एग्ज़ाम। फर्स्ट दिया हुआ है कि आपको अपने आधार कार्ड का जीरोक्स, वो भी एक वैलिड फ़ोटो ले जाना है, जो कि आपके आधार कार्ड से मैक्सिमम टाइम मैच करे। और देखिए, अगर आपका आधार कार्ड का फ़ोटो और आपके फ़ोटो से मैच नहीं करता है, तो आपको वहाँ पर कोई अदर डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे अपने फ़ोटो वेरिफिकेशन के लिए, तो उसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा और आपको एग्ज़ाम में बैठने नहीं दिया जाएगा, और आपका जो रिज़ल्ट आएगा वो डिसक्वालीफाइड आएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है कि आप अपने एग्ज़ाम हॉल में कैलकुलेटर, इलेक्ट्रॉनिक डायरी, सेलफोन, कोई अदर रिक्वायरमेंट थिंग्स नहीं ले जा सकते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है इंस्ट्रक्शंस फॉर अंडरस्टैंडिंग द सर्टिफिकेशन एग्ज़ाम। फर्स्ट दिया हुआ है, अगर आप ऑपरेटर और सुपरवाइज़र के लिए एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो वहाँ पर आपका जो एग्ज़ाम टाइम है वो 110 मिनट है। अगर आप CELC के लिए एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो वहाँ पर आपका एग्ज़ाम टाइम है 50 मिनट। देखिए, नेक्स्ट दिया हुआ है क्वेश्चन बैंक और लर्नर गाइड के हेल्प से जो भी आप क्वेश्चन तैयार किए हैं, उसी के माध्यम या उसी के बेस पे आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा। नेक्स्ट थर्ड नंबर दिया हुआ है, जो भी इंस्ट्रक्शन मिलेगा आपको एग्ज़ाम के स्टार्टिंग टाइम में, उसे आपको एग्ज़ाम के देने वक्त फॉलो करना है। नेक्स्ट फोर्थ नंबर दिया हुआ है, जहां आप एग्ज़ाम दे रहे हैं वहां पर जो इनविगलेटर होगा उनकी बात को ध्यान देना होगा, और जो आपसे को इंस्ट्रक्शन मिलेगा उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना होगा। नेक्स्ट दिया हुआ है कि यू मस्ट कम्प्लीट ऑल द क्वेश्चन इन ईच सेक्शन। जितने भी सेक्शन में क्वेश्चन आएंगे उसे पूरा कंप्लीट करना है। नेक्स्ट दिया हुआ है कि आपको एग्ज़ाम सेंटर पर 15 मिनट पहले पहुंचना होगा, जब आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होगा उससे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि आपको जो भी इंस्ट्रक्शन मिले उसे आपको फॉलो करना है। नेक्स्ट दिया हुआ है कि अगर आप इंस्ट्रक्शन नहीं मानते हैं जो वहाँ पर एग्ज़ाम हेल्ड करा रहा है, या फिर जो वहाँ का इनविगलेटर है, तो आपको इस एग्ज़ाम में डिसक्वालीफाइड कर दिया जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है कि आप इसका रिज़ल्ट 48 आवर्स के बाद चेक कर सकते हैं, जो भी कितना नंबर आप पाएँ या फिर जो भी सर्टिफिकेट होगा उससे रिलेटेड। नेक्स्ट दिया हुआ है अदर इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन। फर्स्ट दिया हुआ है कि रीसेट फी इज अप्लीकेबल ओनली इन केस ऑफ कैंडिडेट फेल्स आर अब्सेंट ऑन द एग्ज़ाम डेट। देखिए, अगर आप एग्ज़ाम डेट पे फेल हो जाते हैं या फिर अब्सेंट रहते हैं, तभी आपका
एग्ज़ाम का जो फ़ी होगा वो रीसेट किया जाएगा। अदरवाइज इसके अलावा कोई और रीज़न रहेगा तो आपको कोई भी फ़ी का रीसेट नहीं किया जाएगा। सेकंड दिया हुआ है कि अगर आप चाहते हैं अपने सर्टिफिकेट में अपग्रेड कराना है, जैसे कि अगर मान लीजिए आप ऑपरेटर के लिए एग्ज़ाम दिए और आप चाहते हैं सुपरवाइज़र के लिए, तो यहाँ से नहीं अपग्रेड हो सकते हैं। इसके लिए आपको शुरू से फिर से रजिस्टर करना होगा, उसके बाद सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम देना होगा और जिसमें मिनिमम मार्क्स होगा उससे आपको पास होना होगा, तभी ही आपको सुपरवाइज़र का रोल अदा किया जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है, अगर आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेते हैं और आपके पास इसका सर्टिफिकेट मिल जाता है, तो आपको इनरोलमेंट एजेंसी से संपर्क करके UID की जिसके लिए भी एग्ज़ाम दिए, चाहे ऑपरेटर, सुपरवाइज़र या फिर CELC के लिए, तो इजीली आप उन्हें संपर्क कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। एट लास्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।